हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मुफ्ती सलमान अजहरी का यह बयान वायरल है। इस बयान में धमकी है या उकसाने की कोशिश है या तनाव पैदा करने की मंशा है, इन सारे सवालों का जवाब तो अब मुफ्ती सलमान अजहरी को पुलिस की पूछताछ में देना है। लेकिन इस वक्त देश के कुछ इलाकों में जो हालात बने हैं और इसकी वजह से पुलिस और प्रशासन के लिए सिर दर्द जरूर पैदा हो गया है। आखिर कौन है मुफ्ती सलमान अजहरी और उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया जिस पर ना सिर्फ FIR दर्ज हुई बल्कि मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए। आखिर क्यों पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, क्या वजह है कि हैदराबादी पार्टी के नेता पुलिस थाने में नजर आने लगे हैं, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। क्या वाकई मुफ्ती सलमान अजहरी ने कोई भड़काने वाला बयान दिया या फिर उनकी एक वीडियो क्लिप यानी एक लंबे भाषण की छोटी क्लिप को सिर्फ वायरल किया जा रहा है, आखिर सच क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल गुजरात में जूनागढ़ की एक मजलिस में मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक तकरीर दी थी। इस तकरीर का समय बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और दूसरी तरफ ज्ञान वापी के एक तहखाने में पूजा का अधिकार करीब 31 साल बाद हिंदुओं को मिल गया है। इन परिस्थितियों में मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी को मामले की गंभीरता को देखते हुए भाषण देना चाहिए, लेकिन अजहरी ने जो बात की वो वायरल हो गई। सबसे पहले आप सुनिए वो वीडियो क्लिप जो वायरल है, फिर आपको आगे मुफ्ती सलमान अजहरी का पूरा भाषण भी सुन पाएंगे। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मुफ्ती सलमान अजहरी ने इस बयान में करबला की जंग का जिक्र किया है। अपने दुश्मनों की तरफ इशारा करते हुए ये बयान भी दिया है कि अभी दुश्मनों का वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो लोगों के मन में सवाल यही है कि आखिर मुफ्ती के दुश्मन कौन हैं? क्या मुफ्ती के दुश्मन हिंदुस्तान के अंदर हैं या उनके दुश्मन हिंदुस्तान के बाहर हैं? अब पुलिस को जांच में यही पता लगाना है कि क्या इस तरह के बयानों से अशांति फैल सकती है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए सलमान अजहरी का पूरा भाषण सुनना भी जरूरी है। तो सुनिए मुफ्ती सलमान अजहरी की पूरी बात आखिर क्या थी। आज हमें ये टोचन मारती है, ताने मारती है, तुम अगर सच्चे हो तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम इतने काटे क्यों जाते हो, फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा, इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो। ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो, उन जालिमों को ए नौजवानों जवाब इतना देना, मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना, और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लबैक या रसूल अल्लाह, न घबराओ ए मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपनी बात इशारों में कही है, हालांकि उन्होंने शब्द का प्रयोग जरूर किया है कि रोज रोज लोग उलझते हैं, मुफ्ती किन लोगों से परेशान है, मुफ्ती के मन में क्या है मुफ्ती ही जाने। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थक अब ये दावा कर रहे हैं कि अजहरी ने अपना बयान हिंदुस्तान के किसी मुद्दे पर नहीं बल्कि फिलिस्तीन और इसराइल के जंग के मुद्दे पर दिया है। गुजरात के जूनागढ़ में मुफ्ती सलमान अजहरी का यह बयान सामने आया और इसकी शिकायत भी गुजरात में दर्ज कर ली गई। इसके बाद गुजरात की ATS ने सलमान अजहरी को मुंबई से हिरासत में लिया और ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया। जब मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हुई तो उन्हें घाटकोपर थाने ले जाया गया, तो घाटकोपर थाने के बाहर मुफ्ती के समर्थक इकट्ठे हो गए और उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। मुंबई पुलिस ने सबको समझाने की कोशिश की, समझा के उनको यहाँ से हटाया गया है। कोई भी अफवाह के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, अफवाह मत फैलाइए, मुंबई
यहाँ पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है, सभी ऑफिसर्स और मैन ऑन रोड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप मुंबई पुलिस तक रीच आउट कीजिए, हम आप तक पहुंचेंगे।